तेलावेज का कहीं पता नहीं चल रहा। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। क्या मतलब है आपका? वो इस घर की बहू है, अब नहीं रहेगी। बुशरा, आप क्या कहना चाह रही हैं? साफ साफ कहिए। सच बात यह है कि अब मैं इस लड़की को एक लम्हे भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये आप क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ जो सच है। पहले आपने जबरदस्ती उसे हमारे सरों पर मुसल्लत किया, अपनी दोस्ती को तरजीह दी, मैं खामोश रही। फिर उसकी माँ का माजी, मैं तब भी खामोश रही क्योंकि आपने कहा कि इन सब बातों में उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब जो कुछ उसने किया, हमारी आंखों में धूल झोंक कर उन गलियों में जा रही है जहां जाते हुए मर्दों के कदम भी लड़खड़ाते हैं। बस करें बुशरा, बस करें। हम हकीकत से अनजान हैं, बिना वजह गुमान करने की जरूरत नहीं है। एक बार वो आ जाए, वो इस घर में अब नहीं आएगी। 3 रातें घर से बाहर गुजार कर आने वाली लड़की को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। अपनी मर्जी से नहीं गई है, वो अगवा हुई थी। उसके अगवा होने में भी उसकी अपनी मर्जी शामिल थी, लिख कर रख लें आप ये बात। खबरदार, एक कदम भी मत बढ़ाना, निकलो मेरे घर से। सुबान, इसे कहेंगे जहां से आई है वहीं चली जाए वापस। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इस खानदान की इज्जत पे आ जाए। अब हमारी बात तो सुने। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। निकल जाओ मेरे घर से। श्राई, आप क्या कह रही हैं? आप इसे कहीं यहां से चली जाए। हटके हुए कदम घरों में तबाही लेकर आते हैं और मैं अपने घर को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। निकलो। आप गलत कर रही हैं बुशरा। गलत ही सही, लेकिन आप मुझे नहीं रोकेंगे। अभी आप हमारी बात सुने, उसके बाद जो सजा देना चाहे दे दीजिएगा। निकलो मेरे घर से, कहां ना चली जाओ यहां से। आप हमारी बात तो समझ नहीं आ रही मेरी बात की, मेरे घर से निकल जाओ। दिलावेज यहां से कहीं नहीं जाएगी।